Hi, this is Sangeeta Porwal and welcome to my channel Sangeeta's Bonsai and Terrariums. दोस्तों मैंने हमेशा ग्रीन गिफ्ट्स प्रमोट किया है कि कोई भी ओकेजन हो आप ग्रीन गिफ्ट दें, पौधा दें, प्लांट दें और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये एक नया प्रोडक्ट एक इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ अ ईजी DIY गार्डनिंग किट। ये उन सभी के लिए है जो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करें, तो एक ये छोटा सा स्टेप वो ले सकते हैं एंड दे कैन बिगिन देयर गार्डनिंग जर्नी। और यू कैन इंट्रोड्यूस गार्डनिंग टू योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को अगर आप गार्डनिंग सिखाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट। और इसके अलावा अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, मे बी अ रिटर्न गिफ्ट, कॉर्पोरेट गिफ्ट और गिफ्ट फॉर एनी ओकेजन, ये परफेक्ट गिफ्ट है बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। तो आज के वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है एंड इट इज सो ईजी कि बिल्कुल बड़ी आसानी से आप किस तरह एक अपना प्लांट उगा सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रीन चिलीज करीब 8 से 10 प्लांट्स हैं जो मैरीगोल्ड, अगर आप फ्लावर्स चाहते हैं तो मैरीगोल्ड इज अ गुड ऑप्शन, टमेटोज, मिंट यानी पुदीना, सनफ्लावर अगेन इफ यू वॉन्ट फ्लावर्स, थाई बेसिल, दिस इज स्पिनच, पालक, ये हम बात कर चुके, कैप्सिकम एंड होली बेसिल या तुलसी एंड फेनुग्रीक और मेथी। सो ये 8 से 10 ऑप्शंस हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए आज एक हम किट खोल के देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो ये सनफ्लावर वाला किट है, इसको मैं खोलूंगी एंड व्हेन यू ओपन इट तो ये दो पैकेट हैं। ओके, दीज आर द सीड्स, इसमें सीड्स हैं, सीड्स ऑफ सनफ्लावर, फर्टिलाइजर है, ओके, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉट है और इस पॉट में है ये कोको कॉइंस जो कि सॉइल मीडियम होगा तो हम इसमें डाल देते हैं इसको, देयर इज अ नेम टैग एंड द पॉट। अब करना क्या है, सो इसमें आप पानी ऐड करें कोकोपीट में, दीज कोको कॉइंस एंड आप देखेंगे जैसे जैसे ये पानी एब्जॉर्ब करेगा इट एक्सपैंड्स। अगर आपको ड्राई लगता है तो और पानी ऐड करें और अगर पानी थोड़ा ज्यादा हो गया है तो डू नॉट वरी, जस्ट स्क्वीज इट, उसको आप स्क्वीज करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। ओके डन, सो यस हमारा ये मीडियम रेडी है एंड नाउ इसको हम हमारे इस पॉट में डालते हैं। थोड़े से छोटे से होल्स कर ले जहां पे हमें सीड डालना है और थोड़ी थोड़ी दूरी रखें एक दूसरे से तो हर प्लांट को जगह मिलेगी जर्मिनेट होने के लिए। ये मैंने सीड्स डाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा सीड्स हैं वो मैं रख देती हूं, मे बी आई यूज इन फ्यूचर। यस कवर इट, इसको हम कवर करें सॉइल से एंड द पॉट इज रेडी। आज ये सॉइल गीला है इसलिए आज ही पानी डालने की जरूरत नहीं है, बट ऑल्टरनेट डेज इसे आप स्प्रे से पानी डालें इस तरह। चलिए मैंने कुछ सीड्स जर्मिनेट करने के लिए रखे थे, सो लेट अस सी देम। हर सीड का अपना एक पीरियड होगा जर्मिनेशन का, कोई सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट कर लेते हैं जैसे कि ये मेथी, इट्स 4 to 5 days, 4-5 दिन पहले ये मैंने डाले थे एंड दे हैव कम अप वेरी वेल। देन स्पिनच, पालक भी बड़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। दिस इज चिली, ग्रीन चिली,
तीन से चार दिन में ये धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहा है. एक सीड हुआ है, दूसरा हो रहा है. टमेटोज आर जर्मिनेटिंग ऑल. मारीगोल्ड इनको भी कम चार से पांच दिन ले लेता है ये. बेजल ऑल्सो रिक्वायर्स 4 to 5 days. सो ईच सीड का अपना एक जर्मिनेशन पीरियड होगा. एंड जब ये आपने सीड्स लगा देने के बाद उसको आप ब्राइट एरिया में रखें, फुल सनलाइट में अभी नहीं रखना है हमें. एंड पानी आप केवल स्प्रे से डालें, क्योंकि ये सब बड़े डेलिकेट हैं. सो जस्ट स्प्रे वाटर एंड उन्हें ब्राइट प्लेस में रखें जहां पर उजाला आता हो फॉर देम टू ग्रो वेल. आफ्टर 3 weeks, 3 week के बाद जब आपके सीड्स थोड़े जर्मिनेट हो जाएं, ये फर्टिलाइजर है इसको ऐड करें, डालें उसमें. पूरा का पूरा आप ऐड कर सकते हो, या आधा आप अभी करें आधा बाद में करें, इट्स ऑल राइट. चलिए अब इसे पॉट कैसे करना है. तो ये मैंने मिंट यानी पुदीना लगाया था. इसको करीब 3 से 4 week हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 weeks. तो नाउ इज द टाइम कि मैं अब इसे बड़े पॉट में लगाऊंगी. इसके लिए आई टेक अ बिगर पॉट, बड़ा पॉट लेते हैं. इस पॉट में मट्टी, कोकोपीट और फर्टिलाइजर का मिक्स है. एनी गार्डन सॉइल चलेगा. चलिए ये पूरा का पूरा पॉट आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये अपने आप सॉइल में मिक्स हो जाएगा. एंड कवर द रिमेनिंग एरिया विद द सॉइल. परफेक्ट, दिस इज डन. फर्टिलाइजर मेरा थोड़ा और है, सो मैं इसमें अब डाल देती हूं. परफेक्ट, चलिए वाटर योर प्लांट एंड इट्स गुड टू गो. अब आप इसे धूप में रखें, धूप में शिफ्ट करें, लेट इट बी इन द सन, क्योंकि इन सभी को अच्छी सनलाइट चाहिए. एटलीस्ट दिन में 3 से 4 घंटे की सनलाइट जरूरी है. एंड ओ यस, आई फॉरगॉट द नेम टैग, इसका ये मैं भूल गई. सो दिन में 3 से 4 घंटे की सनलाइट जरूरी है, इसलिए आप जब बड़े पॉट में डालते हैं उसके बाद अपने पौधे को आप सनलाइट में रखें, 3 to 4 hours ऑफ सनलाइट एंड डेली वाटरिंग एंड वॉच देम ग्रो. और उसमें फूल लगता देखे और आपके वेजिटेबल्स ग्रो होते देखे. सो इजंट इट सुपर इजी. लाइक दीज इजी DIY गार्डनिंग किट्स, डू शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल संगीताज बॉन्ज़ा एंटेरियम्स for more videos on gardening. Happy gardening.